कोरोना की वजह से कई प्रदेशों में लॉकडाउन लगने के बाद प्रदेश में प्रवासियों का लौटना जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और जनपद के बॉर्डर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु द्वारा किच्छा के पुलभट्टा और रुद्रपुर के रामपुर बॉर्डर का निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान रामपुर बॉर्डर में स्वास्थ्य विभाग की टीम न मिलने से डीएम आग बबूला हो गई। उन्होंने सीएमओ को जमकर खरीखोटी सुनाते हुए उनकी जमकर क्लास भी लगाई। अभी हमने पुलभट्टा बॉर्डर चेक किया है, वहाँ से आने के बाद रामपुर बॉर्डर में है, तो पुलभट्टा बॉर्डर में पूरी टीम मुस्तैद है, चाहे हेल्थ विभाग की हो, पुलिस विभाग की टीम हो, सभी लोग बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और हमने देखा बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। बट ये रामपुर बॉर्डर में काफ़ी मिसमैनेजमेंट है। हेल्थ विभाग की टीम अभी 1 बजे तक यहाँ पे थी, ऐसा बताया गया जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे हेल्थ की टीम भी नहीं है, जो कि बहुत गंभीर विषय है। इसमें सीएमओ हमारे साथ मौजूद हैं, उनको कड़े दिशा निर्देश दिए गए, तत्काल टीम रखें और भविष्य में ऐसी शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई मैं करूँगी। और अभी तो जिसकी जिम्मेदारी है यहाँ पे टीम भेजना, उसको देखें किसकी जिम्मेदारी है, उसका एक्सप्लेनेशन भी कॉल करें, उसका वेतन रोकें और उस पर कार्रवाई करके हमें अवगत कराएं। दोबारा से ये अंतिम चेतावनी है मेरी तरफ से, दोबारा से मुझे इस टाइप का बॉर्डर में कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं चाहिए। और पुलिस विभाग की तरफ से थोड़ा और टीमों की आवश्यकता लग रही है, तो उसमें पीएसी की टीम तैनात है, बट उनको भी यहाँ पे कहा गया है कि कठोरता से उनका अनुपालन कराएं, ताकि संक्रमण किसी तरह से भी ऐसा ना लगे कि भाई संक्रमण बाहर से टीमें बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको देखा नहीं गया, इस वजह से संक्रमण फैला। इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो भी इसमें दोषी होंगे कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश देते हुए कहा कि जिस टीम की ड्यूटी बॉर्डर पर है वो टीम मौजूद नहीं है, ऐसे कर्मचारियों के वेतन रोके जाएं और उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। उन्होंने कहा कि शाम तक उन्हें इस मामले में स्पष्टीकरण चाहिए, वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई से नहीं चूकूंगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि बॉर्डर पर पुलिस की संख्या भी कम है, संख्या को बढ़ाते हुए प्रत्येक वाहन को रोक कर पूछताछ की जाए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट।